Dear students, we are dealing with the solvency ratios. Solvency ratios वो ratios होते हैं जो हम calculate करते हैं ये find करने के लिए कि business अपने liabilities को pay करने में capable है या नहीं, चाहे वो short run में हो या long run में. अभी for the time being हम short term solvency ratios देख रहे हैं. बहुत ही कम समय में जो liabilities को pay करना है वो कौन सी liabilities होती हैं? Current liabilities. पहले हम current ratio देख चुके हैं, अभी हम देखने जा रहे हैं लिक्विड रेशो, क्विक रेशो या एसिड टेस्ट रेशो. इसको हम कैसे कंपेयर करें करंट रेशो से? तो अगर हमें जो लायबिलिटीज को पे करना है बहुत जल्दी पे करना है, बहुत कम समय में, तो हम केवल उन्हीं एसेट्स के ऊपर रिलाय कर सकते हैं जिनको बहुत जल्दी हम कैश में कन्वर्ट कर पाएंगे. तो ऐसे करंट एसेट्स जिनको कैश में कन्वर्ट करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि अभी है जल्दी. फील कीजिए बच्चों, ये है आपके ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस शीट, जिसमें क्योंकि हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी देख रहे हैं तो हमारे जो लायबिलिटीज़ हैं, करंट लायबिलिटीज़ हमें पे करनी है शॉर्ट टर्म में कितनी? 1 लाख. किस में से पे कर पाएंगे? करंट एसेट्स में, क्योंकि वो लिक्विड होते हैं. लेकिन ये करंट एसेट 2 लाख है, करंट लायबिलिटी 1 लाख. इसको देख के तो बोल सकते हैं कि वी आर कैपेबल ऑफ मीटिंग आवर ऑब्लिगेशंस और लायबिलिटीज. लेकिन जरा इस 2 लाख का ब्रेकअप तो देखिए, इसमें क्या क्या है. कैश और बैंक है 40,000, इन्वेंट्री या स्टॉक है 1,50,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस है 10,000. अब एज फार एज इन्वेंट्रीज आर कंसर्न, इन्वेंट्री से सपोज हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, इन्वेंट्री से ये रॉ मटेरियल से हम बनाएंगे फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स बेचेंगे डेटर्स को तो वो क्रेडिट पे लेंगे और उसके बाद जाके वो जब क्रेडिट पीरियड ख़त्म होगा तब वो पेमेंट करेंगे. तो उसको कैश में कन्वर्ट करने तक का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा. इस कारण से अगर हमें ये देखना है कि जल्दी से जल्दी हम पेमेंट कर पाएंगे कि नहीं, तो हम इस इन्वेंट्री के आइटम्स के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे. भले ये करंट एसेट है तो भी प्रीपेड एक्सपेंसेस टाइम से पहले हमने किसी को पेमेंट दे दिया है, फ्यूचर में इसका बेनिफिट मिलेगा, तो ये तो कैश में वापस आने ही नहीं वाला जनरली. इस कारण से इसको भी कंसिडर नहीं, क्योंकि हमें तो लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए फंड्स चाहिए, वो तो यहाँ से नज़र नहीं आ रहे हैं, तो इसको भी हटा देंगे. तो हम केवल किसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं? कैश और बैंक. इस वाले एग्जांपल में दो डेटर्स भी हो सकते हैं, दूसरे भी. तो ये तो समझ में आ गया कि इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस के ऊपर हम रिलाय नहीं कर सकते, तो इसको इग्नोर करें तो 1 लाख लायबिलिटीज़ पे करनी है करंट लायबिलिटीज़, और हमारे पास बाकी सारे करंट एसेट हैं 40,000, तो हम नहीं दे पाएंगे शॉर्ट टर्म में. बस यही बताता है लिक्विड रेशो. अब इसी में ही अगर दूसरा केस देखिए, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस शीट. अगेन हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म में हम अपने करंट लायबिलिटीज़ को पे करने में कैपेबल हैं या नहीं. करंट लायबिलिटीज़ है 1 लाख, देखें तो हमारे पास करंट एसेट 2 लाख हैं, वैसे देखने पे तो सफिशिएंट लगता है, लेकिन ज़रा इसका ब्रेकअप देखें तो इसमें कैश और बैंक है 140, इन्वेंट्रीज है 50, प्रीपेड एक्सपेंसेस है 10,000. अब जैसे मैंने कहा, अगर हमें ये चेक करना हो कि जल्दी क्विकली हम पे कर पाएंगे कि नहीं इस 1 लाख को, तो इसके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे. तो बाकी बचे करंट एसेट कितने हैं? 140, विच इज सफिशियंट टू मीट अ करंट लायबिलिटीज इन वेरी शॉर्ट टर्म. तो यही रेशियो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा. अब ये एसेट टेस्ट रेशियो नाम कैसे पड़ा? डियर स्टूडेंट्स, ये एसेट टेस्ट माना जाता है, ये टर्म आया 18th century में, जब गोल्ड स्मिथ या गोल्ड माइनर्स जो हैं वो गोल्ड की प्योरिटी को चेक करने के लिए एसिड डालते थे और उससे पता चलता था गोल्ड कितना प्योर है. प्लस गोल्ड और दूसरे मेटल्स को अलग करने के लिए भी ये टेस्ट रखता था. मेरे ख्याल से शायद आज भी करते होंगे, अगर आपके नॉलेज में हो तो प्लीज़ पता कर लीजिएगा. ये एसिड टेस्ट मतलब ऐसा कोई क्रूशल टेस्ट कोई पास कर ले ताकि हम मान बैठे कि हाँ ऐसा है, तो उसको कहा जाता है एसिड टेस्ट.
इसको मैं और विजुलाइज करके बताऊं, अग्नि परीक्षा आपने सुना है, अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है ये वो कुछ प्रूव करने के लिए। तो हम क्विकली अपने करंट लाइबिलिटीज, स्विफ्टली अपने करंट लाइबिलिटीज को पे करने में कैपेबल होंगे या नहीं होंगे, ये टेस्ट बताएगा, इसलिए नाम पड़ा है एसेट टेस्ट रेशियो। इसको अभी हम न्यूमेरिकली देखेंगे, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो। इसका फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट रेशियो में यहाँ पे करंट एसेट्स लेते थे सारे, अब इसमें क्या करेंगे, उनमें से जो कम थोड़े से थकेले हैं उनको हमने हटा दिया, किसको, इन्वेंट्रीज को और प्रीपेड एक्सपेंस को। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो न्यूमरेटर में आप केवल क्विक एसेट लीजिए, इन्वेंट्रीज और प्रीपेड को लीजिए ही नहीं, या फिर क्वेश्चन में करंट एसेट्स का टोटल फिगर दिया हुआ है तो इसमें इन्वेंट्री भी आ चुका होगा और प्रीपेड भी आ चुका होगा, उन दोनों को एक्सक्लूड कर लीजिए। आई रिपीट, या तो न्यूमरेटर में इन दोनों को लीजिए ही नहीं, या फिर अगर करंट एसेट्स में टोटल फिगर दिया हुआ है तो इनमें से ये डिडक्ट कर लीजिए, तो पहुंचेंगे क्विक एसेट्स तक। अब हमारे वाले एग्जांपल में, फर्स्ट वाले एग्जांपल में देखें तो क्विक एसेट्स कौन से थे, हम दोनों अप्रोच से करके देख रहे हैं। अगर हमने ये टूल देख लिया तो हम जानते हैं इनमें से कुछ इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस ये डिडक्ट कर दें, तो 2,00,000 - 160 तो बचेगा 40,000 डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज 1,00,000, जो कि आ रहा है 0.4:1। मतलब अगर करंट लाइबिलिटी 1 है तो हमारे पास क्विक एसेट्स हैं केवल 0.4, तो थोड़ी मुश्किल होगी। सेकंड वाले केस में देखें तो हम सेकेंड वाले केस में केवल क्विक एसेट्स को उठाएं, तो इन्वेंट्री को नहीं लेना है, प्रीपेड एक्सपेंस को नहीं लेना है, कैश, बैंक डेटर्स वगैरह बाकी सारे डेट जो करंट एसेट्स हैं सबको लेंगे, तो यहाँ पे तो 140 है। और दूसरे तरीके से देखें तो अगर डायरेक्टली नहीं लेना हो तो 2,00,000 ले लीजिए, इसमें से ये हटा दीजिए तो बचेगा 140। तो क्विक एसेट्स 1,40,000 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज 1,00,000, तो ये हो जाएगा 1.4:1। ये क्या बता रहा है, अगर हमारी करंट लाइबिलिटी 1 है तो हमारे पास क्विक एसेट्स हैं 1.4, मतलब हम आसानी से बहुत कम समय में हम अपने लाइबिलिटीज को पे करने में कैपेबल है, ये प्रूफ हो गया ये एसेट टेस्ट। अब 1:1 का रेशियो आइडल माना जाता है, अच्छा माना जाता है, सबसे अच्छा कौन सा, लिक्विड रेशियो 1:1 होना आइडल माना जाता है, हमेशा नहीं। फील कीजिए, करंट एसेट्स हैं रणवीर सिंह एंड अर्जुन कपूर, आगे आप जानते हैं।